मेरा नाम एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हिंदुस्तान शिवसेना का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। दोस्तों, हिंदुओं के देवी देवताओं के अपमान हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर से होते रहते हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा मेरे सामने आया। मैं सवाई माधोपुर कचहरी में था और वहाँ पर कूड़े के ढेर पर इस तरह के कुछ रैपर पाउच पड़े हुए थे जिनके ऊपर श्री हनुमान जी के फोटो छपे हुए थे, पीछे गणेश जी का फोटो छपा हुआ था, एक इस तरह से सरस्वती माता का ये फोटो छपा हुआ कूड़े के ढेर पर पड़ा था। इसके अंदर सिंदूर और कुमकुम कंपनियां बेचती हैं, लेकिन उन लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि इनको बेचने के बाद, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद जो लोग इनको वेस्ट में फेंक देते हैं, फिर ये कूड़े करकट में और गंदगी की जगह पर चला जाता है। जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, उन्हीं के रैपर पर छपे हुए फोटो जब गंदगी में और कूड़े के ढेर में पड़ते हैं तो कितना अपने आप को अपमानित और घृणता महसूस होती है। ऐसा ही इन दो तीन कंपनियों ने किया है, जिसका कि मुझे पता लगा ये कूड़े के ढेर में। सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्री में मैं बैठा था, वहाँ पर ये कूड़े के ढेर में पड़े थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे और गंदगी फैला रहे थे, इनके ऊपर पाँव रख रहे थे। जैसी मेरी नज़र इन पर गई, मैंने इनको उठाया, साफ किया, देखा तो इन पर पीछे हंस हनुमान सिंदूर और दूसरे पर देवी हनुमान सिंदूर और तीसरे पर सरस्वती स्पेशल कुमकुम लिखा हुआ था, जिनमें से के दो कंपनियां दिल्ली के पते पर हैं और एक कंपनियां भरतपुर जिले के पते पर है। मैंने तत्काल अपने साथी एडवोकेट अक्षय राजावत को साथ लेकर माउंट टाउन थाने गया। वहां मैंने SHO साहब से मुलाकात की और मैंने कहा भाई ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, और मैंने एक मुकदमा दर्ज कराया है जो कि माउंट टाउन थाने में दर्ज है, जिसमें FIR नंबर 114/2022 तारीख 114/2022 का मुकदमा धारा 295A किसी की और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जो धाराएं लगती है, उन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब आगे का अनुसंधान जारी है। ये मुकदमा दर्ज कराने का मेरा और केवल एक ही मकसद है कि भाई ऐसे लोग जो हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनको सबक मिलना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि कोई भी सज्जन यदि इस तरह का काम कर रहा है, वो हिंदुओं के देवी देवताओं का चित्रण लगाकर कोई लिफाफा, कोई रैपर या कोई इस तरह की चीज़ बेच रहा है, तो वो ऐसा ना करे। इससे हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, जैसा इस पूरे प्रकरण में मेरी स्वयं की भावनाएं आहत हुई, हिंदू धर्म का अपमान हुआ।